नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पसलियों में दर्द, सीने में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पसलियां वो घुमावदार हड्डियां हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारी छाती के चारों ओर जाती है। पसलियों में दर्द हमारे छाती के आसपास या छाती से नीचे या नाभि केंद्र से ऊपर महसूस हो सकता है। दोस्तों, पसलियों में दर्द के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण फेफड़ों में कोई समस्या होने के कारण या डाइजेशन संबंधी कोई समस्या के होने के कारण या भी कोई प्रत्यक्ष चोट लगने के कारण या किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम बहुत अधिक फिजिकल वर्क करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इस कारण भी पसलियों में दर्द होना एक आम बात है। दोस्तों, आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से पसलियों में दर्द, सीने में दर्द जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मस्यासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा रखते हैं। अपने आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए ऐसे ही इस अभ्यास को 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक मेंटेन करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पसलियों में दर्द, सीने में दर्द की समस्या को दूर करता है। इसे करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और यह अभ्यास हमारे सीने की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसे करने से दोस्तों, इसके अलावा इस अभ्यास को करने से हमारे थायराइड, पैराथायराइड से जुड़े सभी रोग दूर होते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर इस अभ्यास को आपको ऐसे करने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं। ऐसे अपने पैरों में आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को, अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे सटाते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, नीचे, ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पसलियों में दर्द, सीने में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे उत्तान शिशोषना। दोस्तों, उत्तान शिशोषना को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए, इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट अपने एक आरामदायक स्थिति पर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे बजासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ ले जाते हुए अपनी छाती को, अपनी बॉडी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी उत्तान शिशोषना की पोजिशन पर रहे। यह अभ्यास हमारे पसलियों में दर्द, सीने में दर्द की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे पैर जाते हैं और फिर आपने सबसे पहले आपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से खोल लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और इसके बाद आपने अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।